आप देख रहे हैं BHBC News। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार बताए जा रहे हैं। किम जोंग उन की सर्जरी के बाद उनकी हालत बेहद नाजुक हो गई है। एक अमेरिकी अधिकारी के अनुसार किम जोंग उनकी जान को खतरा है। बताया जा रहा है कि किम जोंग उन गंभीर रूप से बीमार हो गए हैं और जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक किम जोंग की जो सर्जरी की गई थी इससे उनकी हालत और बिगड़ गई है। किम जोंग उन बहुत स्मोकिंग भी करते हैं और उन्हें मोटापे की भी बीमारी है। बता दें कि किम जोंग अपने दादा के जन्म दिवस पर होने वाले कार्यक्रम में भी 15 अप्रैल को नहीं दिखाई दिए थे, जिसके बाद उनकी हालत को लेकर चिंता जताई जाने लगी थी। यह सब एक खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक बताया गया, क्योंकि उत्तर कोरिया से सही सूचनाओं का आना बहुत ही मुश्किल है। किम जोंग उनकी उत्तर कोरिया में किसी भगवान की तरह पूजा होती है, इसलिए बहुत मुश्किल से सूचनाएं आ रही है। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर कोरिया में एक प्रमुख सार्वजनिक समारोह में सर्वोच्च नेता किम जोंग उन शामिल नहीं हुए थे। समारोह में उनकी गैर मौजूदगी मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय जगत में सवाल पैदा करने लगी है। कहा जाने लगा है कि किम जोंग अस्वस्थ हैं और वह घर से बाहर निकलने की स्थिति में नहीं है। पिछले हफ्ते भी उत्तर कोरिया ने अपने संस्थापक किम इल सुंग की जयंती मनाई थी। सुंग वर्तमान नेता किम जोंग के बाबा थे। उत्तर कोरिया में इस दिन की राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता है, सार्वजनिक अवकाश रहता है और बड़े पैमाने पर श्रद्धांजलि समारोह आयोजित होता है। कमसुनन पैलेस में बनी किम इल सुंग की समाधि पर पुष्प अर्पित करने के लिए देश के सभी उच्च पदस्थ नेता और अधिकारी पहुंचे, लेकिन किम जोंग नहीं आए। जबकि पूर्व के वर्षों में इस दिन किम जोंग खास तौर पर वहां जाते थे और कुछ वक्त बिताते थे। उस वक्त को मीडिया में प्रमुखता से दिखाया जाता था, लेकिन इस बार सरकारी मीडिया के जारी फोटो और वीडियो में किम जोंग दिखाई नहीं दिए। बताया जा रहा है कि किम जोंग इन दिनों हाइंगसान कस्बे के एक विला में इलाज करवा रहे थे। किम के ब्रेन डेड होने की खबरों पर अभी अमेरिकी अधिकारियों ने कोई टिप्पणी नहीं दी है। आप बधाई के पात्र हैं। आधा काम ना करें, प्लीज चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं।